नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये अपना आईफोन 8 प्लस अगर आपको ये फ़ोन में जो डेटा है वो आपको ये फ़ोन में अगर ट्रांसफ़र करना है, नए फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करें, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपका जो पुराना फ़ोन है, ये पुराना फ़ोन है समझो, अगर इसमें से डेटा आपको ये फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है, आईफोन टू आईफोन अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आपको ये नया फ़ोन है वो आपको रीसेट मारना है। रीसेट मारने के बाद आपको ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, रीसेट मारने के बाद ये ओपन करने पे ही आपको दोनों फ़ोन साइड में रखना है। साइड में रखने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया। ऑप्शन आने के बाद आपको ये देखो इसको आपको ये स्कैन करना है। स्कैन करने, ये देखो ये स्कैन है, ये स्कैन किया इसको। अभी स्कैन करने के बाद आपको ये देखो स्कैन करा, अभी आपको इसमें जो जिसका जो पासवर्ड है पुराने फ़ोन का, जो आपका पासवर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड फिल करने का देखो अभी थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद बाद में ट्रांसफरिंग चालू हो जाएगा। ट्रांसफरिंग चालू होने के बाद आप इसमें जो पुराना फ़ोन का जो पूरा डेटा है वो ये फ़ोन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।